सुभान अल्लाह हो गई ऐसा लग रहा है काफी दिन के बाद जलसा हुआ है तो हरन कर वाले नारा लगाने ही भूल गए। इतना बड़ा शेर भी खामोशी से सुन लिया है ना। अब एक शेर और पेश करता हूँ, क्या फरमाते हैं साहिबे उर्स साहिबे मजार हुजूर मुफ्ती फारूक रज़वी साहिब रहमतुल रिज़वान। बहुत खूबसूरत शेर पेश करता हूँ एडवांस में, कहते हैं सुभान अल्लाह। नफसी नफसी के उस आलम में फरोज़े महशर, नफसी नफसी के उस आलम में फरोज़े मुजरिमों की है तरफदार तुम्हारी होकर बैठे महफिल की बरकतें हासिल करें, खेदारी का सबूत दें, कहीं सुभान अल्लाह। नहीं तो तवज्जो करें, खामोश रहें, कहीं सुभान अल्लाह और कहीं सुभान अल्लाह। बेमिसाली की है हकदार तुम्हारी आंखें, बेमिसाली की है हकदार। ये समझ ले मैं अगर शायरी करूं, मैं अपना कलाम पेश करूं या हमारे नूर साहब अपना कलाम पेश करें, ये कमाल की बात नहीं है। ये कलाम जो पढ़ रहा हूँ मैं उससे अच्छा कलाम लिख भी नहीं सकता और उससे अच्छी फिक्र मेरे मन में भी है ना। जो साहिब मजार साहिब उसके उसका लिखा हुआ मैं जो कलाम पेश कर रहा हूँ इससे अच्छा कलाम मैं लिख ही नहीं सकता। तो इस पर आपको किस तरह इस कलाम को सुनना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जरा थोड़ा बेदारी के साथ समाप्त करें, एक शेर और पेश करता हूँ, मुलाहदा करें, कहिए सुभान अल्लाह। काबा हसने का सरकार तुम्हारे अबरू, काबा हसने का सरकार तुम्हारे अबरू, काबा हसने का सरकार तुम्हारे किबले है दरे करार तुम्हारी आंखें, किबले है दरे करार
तुम्हारी आंखें किबले है करार। आपका शेर पहले करें, आने वाहिद में बना देती है अल्लाह कितने बेकारों को बाकार तुम्हारी आंखें, कितने बेकारों को बाकार तुम्हारी आंखें। और वक्त में क्या फरमाते हैं मुलाजा करें, किस्मत रंगदीदा चमक जाएगी, किस्मत फारिक रंगदीदा चमक जाएगी, हो जियादार हो जियादार हरशियार तुम्हारी तुम्हारी आंखें, हो ज़ियादा बेमिसाली की है हकदार तुम्हारी आंखें, है नबी नाज़िर ग़फ़ार तुम्हारी। पढ़ूंगा इंशाल्लाह।